मतलब वही ना बाबा साहब ने यही तो कहा था कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते नहीं। और वो कहा था उन्होंने शौर्य स्तंभ के पास कि आप भेड़ बकरी की औलाद नहीं हो आप शूरवीर हो देखो आप आपके पूर्वजों ने क्या किया आपका गाना भी अत्याचार की ऐसी तैसी दन, दन, दन। तरह

जैसा मैं चाहूंगा कि मेरी मौत भी आंबेडकर वादी के रूप में ही होगी आखिरी शब्द भी मेरे मुँह का जुबान का वही निकलेगा जैसिन पाँच सौ रुपये का एक वी आई पी पास आपको करोड़पति बना सकता है और आपने भी दो पास लिए हैं मैंने दो पास, हाँ, दो, दो पास दो पास लिए तो आपके लिए भी अवसर है करोड़पति बनने का आप, मैं तो, आप तो आप करोड़पति होंगे आप मतलब पहले ही करोड़पति है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है नहीं अभी चलो ठीक तो बन सकते आप आप तो कलेक्शन करने का तरीका निकाल रहे हैं सर देखिए क्या कलेक्शन करने का मुझे शौक़ नहीं है मुझे कोई जरूरत नहीं थी जय भीम साथियों मैं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ बीक द शूद्रा ऑफ द न्यूज़ बीक हो चुका है और आज इस खास पेशकश में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ में हैं जो एक पेशेवर ब्यूरोक्रेट रहे उसके बाद उन्होंने फिल्म का क्षेत्र चुना और फिल्म में भी हमारे जो बहुजन सिनेमा है जो बहुजन कहानियाँ हैं उन पर उन्होंने एक शानदार ऐतिहासिक फिल्म बनाई है भीमा कोरेगाँव पर जिसका नाम है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगाँव मेरे साथ हैं उसके निर्माता निर्देशक सर रमेश थेटे जी आपका बहुत स्वागत है सर नमस्कार जय भीम सर से हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं आपने कुछ सोशल मीडिया पे सवाल पूछे हैं उनमें भी हम लेंगे और फिल्म से जुड़ी हुई आपकी बहुत सारी सवालों की जानकारी आपको मिलने वाली है सर सबसे पहला सवाल फिल्म का क्या स्टेटस है अभी किस लेवल पे है एडिटिंग डेस्क पे है शूटिंग बची है कब रिलीज़ होने वाली है फिल्म शूटिंग लगभग सेवेंटी हो चुकी है जी थर्टी बाकी है वो भी बीस एक दिन में पूरी हो जाएगी इसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है और वी आर ऑल अप टू रिलीज दिस फिल्म ऑन सेवनटीन तो सत्रह सितंबर को ये uh, देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है क्या प्लानिंग है रिलीजिंग देश भर के लगभग पाँच हजार थिएटर्स में रिलीज होगी और उसके अलावा विदेशों में इंग्लैंड अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज थाईलैंड जापान श्रीलंका गल्फ इतने सारे कंट्रीज में रिलीज तो वर्ल्ड वाइड रिलीज कर रही है तो मुझे लगता है कि ये पहला मौका है जिसमें हमारी कहानी है हमारे लोग जिसको बना रहे हैं और वो इतने व्यापक ग्रैंड ओपनिंग उसके होने वाली है क्योंकि देखिए विषय ग्रैंड है तो इफ योर ट्रीटमेंट इज नॉट ग्रैंड तो अच्छा नहीं लगता इट हैज टू बी bigger या yeah. <laughs> तो कहानी इज बिग देयरफॉर योर ट्रीटमेंट शुड बी बिग एंड देन द इफेक्ट कैन बी बिग दिस इज अ फिलॉसफी बैंडिस जी ये जो कहानी है सर भीमा की ये तो सौ साल से ज़्यादा का वक्त हो गया इस कहानी पे आज तक इस फिल्म दो सौ साल, साल हो गए दो सौ साल हो गए उन्नीस सौ अठारह एक जनवरी उन्नीस सौ अठारह को कहानी हुई आ, ये ख्याल कैसे आया कि मुझे इसी फिल्म में जाना है और यही कहानी मुझे चुननी है देखिए मैं बेसिकली अम्बेडकर हूँ मैं जन्म से भी अम्बेडकर रहा हूँ जी मतलब मेरे पिता बुद्धिज़्म को अपनाने के बाद ही मुझे जन्म दिया तो मैं जमशेल अम्बेडकर वादी में मैं जिया हूँ अम्बेडकर वादी के रूप में और मरना भी चाहूँगा एसन अम्बेडकर राइट तो देखो और मैंने बाबा साहब को पढ़ा है बहुजन इतिहास को पढ़ा है ऐसी कहानियाँ पढ़ी हैं जो वास्तविक रूप में हमारे हमारे इतिहास को दर्शाती हैं ये कहानियाँ भी पढ़ी हैं उनमें से एक कहानी ये द बैटल ऑफ हिमा कोरेगा है ये कहानी न केवल कहानी है बल्कि एक रास्ता है एक ऐसा रास्ता है जो शूर आ, शूर वीरों की ऐसी ज़ुबान को या ऐसी वीरता को दिखाने वाली कहानी है ये जहाँ से आपको केवल एक ही शब्द आपके ज़ुबान पर आ सकता है वाह वाह मतलब ऐसी कहानी है और अब तक की ये कहानी क्यों नहीं आई ये स्वाभाविक रूप से मेरे मन में यह सवाल आया जब मैंने इस पूरे विषय को रिसर्च के बाद जी। जब तक रिसर्च नहीं किया था तब तक मतलब ऐसा जरूर लगता था कि भाई बीमा करेगा बीमा करेगा लेकिन जब रिसर्च किया एक एक बात देखी इसकी परतें जब खुली तो मुझे लगा कि मतलब एक फिल्म के लिए जो सारा चाहिए मसाला मैं ट्विस्ट टर्न ये वो ऐसा वैसा पगडंडी बड़ा रास्ता ये सारा मसाला इस कहानी में है एक्चुअल वास्तविक इतिहास है वास्तविक लेकिन किसी ने बनाया नहीं अब क्यों नहीं बनाया आप जान सकते हो जी। मैं जानता हूं क्यों नहीं बनाया है ना लेकिन अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो फिर कोई नहीं बना सकता तो हमारी कहानी कौन कहने आएगा ये अच्छा सर ये कहानी के बारे में जैसे जो सामान्य जनमानस में जानकारी उपलब्ध है कि 500 सौ सैनिक थे अट्ठाइस हज़ार सैनिक थे पेशवा के उनके बीच में लड़ाई हुई और उन्होंने जीत लिया लेकिन इसके अलावा इस कहानी के कौन से ऐसे प्रेरक प्रसंग हैं जो हमें इसमें आपकी फिल्म में देखने को मिलेंगे क्योंकि बस एक जानकारी है कि पाँच बनाम अट्ठाईस की लड़ाई थी लेकिन उसके जो अंदर आपने जब रिसर्च किया होगा नई चीज़ें निकल के आई होंगी तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताइए इसके बाद देखिए ये सोशो वॉर फिल्म है है ना ये कोई एक दिन में युद्ध तो नहीं हुआ जी है ना या दो फौजों के बीच की ही कहानी है ऐसा नहीं है ये नहीं। ये दो संस्कृतियों के बीच का युद्ध है ये एक संस्कृति समानता के लिए और दूसरी संस्कृति असमानता के लिए जी, तो समानता और असमानता के बीच में जो द्वंद्व है जो डिलेमा है और जो कंट्रोवर्सी कहो या फिर ऐसी परिस्थिति इसमें आ जाती है जिसके कारण फिर ये कहानी आगे बढ़ती है और फिर एक जनवरी अठारह सौ अठारह में ये युद्ध होता है ये एक दिन का प्रवास नहीं है ये इतना बड़ा प्रवास है सदियों से जी। जो आपके साथ में होता आ रहा है सहते रहे सहते रहे सहते रहे और फिर यह ज्वालामुखी फटा और इस ज्वालामुखी मुखी, मुखी का नाम है द बैटल ऑफ हिमा को ये पूरे ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ इतिहास है और जितना हम कम से कम टाइम में दिखा सकते थे लेकिन ताकत के साथ में और एक भी फैक्ट को हमने अछूता नहीं छोड़ा सारे फैक्ट्स को हमने छुआ और ताकत के साथ में छुआ और हमारे जो कलाकार हैं आर्टिस्ट हैं उन्होंने पर्दे पे इतने ताकत के साथ में इसको प्ले किया है कि आपको लगेगा कि वास्तव में ये क्या हुआ ये ऐसा क्यों हुआ और ये करने वाले लोग कौन थे ये ताकतें कौन सी थी और फिर उनको टक्कर किसने दी ये ये देखिए 1818 में बाबा साहब तो नहीं थे जी। लेकिन बाबा साहब तब भी जिंदा थे आ, ये बाबा साहब की जो संस्कृति है और वो जो दूसरी संस्कृति है इसके बीच का युद्ध है ये ये 500 सौ ने 28000 हजार की फौज को हराने का तो बिल्कुल है ये स्टोरी है दैट इज द स्टोरी सी द लार्जर पॉइंट इज बिगर देन दैट एक एक विद्रोह हुआ बाबा साहब ने खुद वहां पे गए और फिर ये एक कि तो का सारा का सारा। मतलब तो कहानी अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते और वो कहा था उन्होंने शौर स्तंभ के पास कि आप भेड़ बकरी की औलाद नहीं हो आप शूरवीर हो देखो आपके पूर्वजों ने क्या किया सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा बड़ा क्या क्या नहीं हुआ और तब क्या था आज क्या हुआ है तो आप ना आप हारना मत अपने हौसले को जिंदा रखना ये है इसका मैसेज और आत्मसम्मान का रण संग्राम था ये ये भीमा कोरेगा आत्मसम्मान का रण संग्राम था ये लड़ाई नहीं थी छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी हाँ तो ये इस बात को जानो और जब आप देखेंगे फिल्म देखेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि तब क्या परिस्थिति रही होगी और ये इस तरह से ये घटनाक्रम था लेकिन इस कहानी पे थीटर साहब एक एक स्कूल ऑफ थॉट ये है एक नैरेटिव गढ़ा जाता है कि भारत में उस समय आज़ादी के लिए विद्रोह हो रहे थे आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तो अंग्रेजों की सेना के खिलाफ पेशवा की सेना थी और हमारे देश की जो पेशवाई सेना थी उसको उसको हार मिली तो एक तरीके से अंग्रेजी सेना की विजय हुई थी उनपे तो उसका जश्न क्यों मनाया जाता है एक ऐसा नेरेटिव गढ़ा जाता है कि दरअसल अंग्रेजों की जीत का जश्न मना रहे हैं आप लोग सी दैट इज फाल फूड ये कहना hmm. कि साहब आपने अंग्रेजों के साथ में मिल करके इस देश की सेना को हराया दैट इज रॉन्ग जी ये गलत है ये hmm. भाई आप इतनी बार कह रहे हो आपके अपने को कि भाई हमारे साथ में सही सलूक करो हमें समानता दो हम आपके लोग हैं हम आपके लिए लड़ना चाहते हैं शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना का हम हिस्सा थे ये मावले जो छत्रपति शिवाजी महाराज के थे मराठा साम्राज्य जो था उसका हिस्सा है हम हमें आपके साथ रहने का मौका दो हमारे साथ समानता का व्यवहार करो कई बार कहने के बाद में मिन्नतें करने के बाद रिक्वेस्ट करने के बाद में अगर कोई सुन नहीं रहा है और आपको वो समानता का व्यवहार आपके साथ में कर ही नहीं रहा है और जब बाहर से आने वाला व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि भाई आपके हाथ का पानी भी मैं पी लेता हूँ आपको गले भी लगाता हूँ आप मेरे भाई हो और दूसरा आपका अपना जो है ये कह रहा है कि साले तुम तो ऐसे लोग हो है ना सॉरी आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड लेकिन ये ये कहने में फिट बैठता है बिल्कुल वो गुस्सा ही हाँ ये गुस्सा है ठीक है इसलिए मैंने कहा ये तो आपके पास विकल्प क्या है मतलब आप मतलब आप के आप कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाओगे मतलब आपको जीने का अधिकार ही नहीं है आप इंसान ही नहीं हो जब ये आपका अपना व्यक्ति कह रहा है और दूसरा कह रहा है कि आप तो महा इंसान हो आप।, आप में ताकत है आप में शूरता है आप में शौर्य है आप कुछ भी कर सकते हो तो आपके पास विकल्प क्या है बिल्कुल तो ये ये बात है ताकत के उसपे उन्होंने बनाया मौका दिया हमारे लोगों को अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिला और उन्होंने फिर कर दिया कर तब दिखा भी अभी मेरिट देखे ना आप अब आज के तारीख में भी मेरिट हमारे सिविल सर्विसेज में हमारे लोग टॉप कर रहे हैं मेरिट नहीं है क्या आ, मेरिट है ना बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ इफ नेगलेक्ट दैट मेरिट एवरीथिंग एनीथिंग कैन है ये तो है ही ये, ये होगा जी जी अच्छा ये जो परिवार थे जैसे इसमें कैरेक्टर है सिदनाक और बाकी लोग जो परिवार थे क्या आप लोग उनको ट्रेस कर पाए उनकी कहानियों को उनके वो हमारे साथ में है आज के तारीख में सरदार सिद्धना के जो वंशज है जी दे आर विद अस अच्छा हाँ ऑफिशियली दे आर ऑन बोर्ड विद अस अब उन्होंने खुद हमें राइटिंग में हमें लिखित में दिया है कि आप ये कहानी बनाओ ये फिल्म बनाओ हम आपके साथ में हैं पूरा सपोर्ट करेंगे मैं सबको साथ में लेके चलता हूँ जी ये मेरा अकेले का प्रयास नहीं है ये मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा ये बड़ी टीम है और बड़े टीम के साथ में ये काम कर रहे हैं आप पेशेवर ब्यूरोट रहे आप नाइनटी थ्री बैच के आई अफसर रहे वहाँ पर भी ऐसे तमाम चीज़ें हुई मुझे लगता है एक फिल्म तो आपकी जिंदगी पर भी बन सकती है खैर वो आप देखेंगे बाद में देखेंगे लेकिन अम्बेडकर कभी हारता नहीं जी क्योंकि वो स्वाभिमान का सौदा करता नहीं hmm. तो स्वाभिमान अगर आपको आ, आ, आप, आपके अंदर में रखना है hmm. तो फिर विवाद तो होंगे प्रवाह के विरुद्ध चलना है तो आवाज़ तो निकलेगी साहब मेरा वही है कि मैं मैं जीता हूँ अम्बेडकर वादी मतलब देखिए कोई घोषित करे कि मैं अम्बेडकर वादी हूँ ये तो है लेकिन अम्बेडकर वादी टिके रहना वेरी hmm. डिफ़िकल्ट hmm. क्योंकि अगर कोई कोई लालच आपके सामने आ जाएगी साहब मैं ये अगर मेरा उसूल छोड़ दूं तो मेरे को ये मिल सकता है तब तो आपको कुछ भी मिल सकता है फिर आप आम्बेडकर कहलाने के लायक नहीं हो मैंने ये नहीं किया मैंने कहा कि मेरा मेरा जो सबसे बड़ा जो मेरा ब्रांड है वो है आम्बेडकरवाद कोई आपके साथ में अच्छा शुरू करे तब भी और ना करे तब भी अगर आप आम्बेडकर के रूप में टिके रहे और मरे भी उसी के रूप में जैसा मैं चाहूंगा कि मेरी मौत भी आम्बेडकर के रूप में ही होगी आखिरी शब्द भी मेरे मुंह का जुबान का वही निकलेगा जय भीम तो मेरा 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 जो जीवन है वो सफल हो गया ये चाहिए मतलब। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं अच्छा सर ये बताइए ब्यूरोक्रेट की वो नौकरी के बाद में फिल्म के क्षेत्र में एंट्री कैसे हुई क्या पहले से कैमरा पे काम कर रहे थे उस उस दिशा में आपका इंटरेस्ट था कैसे मतलब फिल्म जगत में कैसे एंट्री लिया मैंने मेरे जीवन का पहला गाना गाया और लिखा भी सोलह साल में अच्छा। सोलवे साल में <laughs> तो आई एम ए लिरिस्ट बेसिकली मैं पच्चीस तीस साल से म्यूज़िक फिल्म में काम कर रहा हूँ मेरे एल्बम्स भी काफ़ी निकले हैं बड़े बड़े कलाकारों ने मेरे गाने गाए हैं इस फिल्म के गीत भी मैंने लिखे हैं और इसका संगीत मैंने और ललित सेन ने मिल किया है तो मैं कोई नया ये क्षेत्र मेरे नया नहीं था मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ मैंने इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जी। और कला क्षेत्र से मेरा पहले से संबंध रहा है तो थोड़ा थोड़ा बहुत थिएटर नया नहीं है नया बिल्कुल ही नहीं है ये तो स्वाभाविक कास्ट जब आप फाइनल कर रहे थे कि कौन कौन से अभिनेताओं को इसमें लिया जाए कौन अभिनेत्री हो तो उसमें अर्जुन रामपाल का नाम क्यों चुना आपने बाकी जो स्टार कास्ट थी उसको किस आधार पे आपने फाइनल किया कि ये मेरे करेक्टर के लिहाज से जो है ये परफेक्ट लोग हैं देखिए अर्जुन रामपाल का जो किरदार है ना जो इसका लीड है प्रोटेगोनिस्ट है वो वो बिल्कुल फिट बैठता है जी उनकी टोटल बॉडी लैंग्वेज उनकी आवाज़ और उनका बोलने चालने का तरीका वो मतलब लगभग मैं विजुअलाइज किया था मैंने कि इनको यदि मैंने स्टार कैस किया तो वो सरदार की नामदार ही दिखेंगे और जो भी आपने टीजर्स देंगे देखे होंगे अब तक के टी में जो भी आया आपको लगेगा कि मतलब ये ये वाकई ये यही है तो हमारी चॉइस बिल्कुल परफेक्ट थी और बाकी लोगों को भी जो हमने लिया है वो एक रिसर्च करके उसका प्रॉपरली कास्टिंग करके उनको लिया आपके जो अभी तक टीजर आउट्स हुए हैं गानों के टीजर्स आए हैं प्रोमो का तो हम बहुत बेशब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि एक ऑफिशियल प्रोमो आए जिससे हम पूरा देखें बहुत ही ग्रैंड है एकदम मतलब शानदार तरीके का मुझे लगता है इस तरह का प्रयास अभी तक हमारे लोगों ने तो कम से कम नहीं किया वो करने वाले कोई और ही हैं हमारे नाम पर पैसा भी कमाते हैं बिजनेस भी करते हैं ग्रैंड क्वालिटी के लिए बहुत पैसा लगा होगा बहुत मेहनत लगी होगी कैसे मैनेज कर रहे हैं और ये जो ग्रैंड लुक है इससे अपनी ताकत को साबित करना है देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि भाई ये सब्जेक्ट ग्रैंड है जी इसलिए आपका ट्रीटमेंट ग्रैंड होना चाहिए इफ इट इज़ नॉट ग्रैंड योर ट्रीटमेंट इज़ नॉट ग्रैंड देन सब्जेक्ट को आप नीचे दिखाओगे है ना वो संभव नहीं था मतलब ये ये लड़ाई इस टाइप की है कि अगर इसका कैनवास आपने बड़ा नहीं रखा तो छोटा लगेगा जी है ना तो सबसे पहली बड़ी बात तो ये है इसलिए फिर आपको बजट भी वैसे रखना पड़ेगा तो ये इसमें मैं भरोसा ज़रूर हूँ इस फिल्म को ऑन रिकॉर्ड प्रोड्यूसर मैं हूँ लेकिन मेरे साथ साथ वो तमाम तीन हज़ार से ज़्यादा लोग हैं जो किसान हैं छोटे छोटे किसान हैं छोटे लोग उनका भी पैसा लगा मेरा भी लगा है मैं भी इसमें हूँ शरीक हूँ लेकिन ऐसा करके हमने इकट्ठा ये, ये इसका प्रोडक्शन हुआ है और लोगों का सपोर्ट मिला है सपोर्ट के कारण ही इतना बड़ा कैनवास ये बन पा रहा है तो ताकत तो बहुजन समाज की ही है मेरी अकेली की ताकत ना थी ना है तो सबने ने मिल प्रयास किया है तो आपको लग रहा है इसलिए रास्ता खुला है जी अब जो लोग हैं अन्य लोग भी जो हैं उनको लगेगा कि भाई हमारा समाज भी इसमें पीछे नहीं भी अम्बेडकर वादियों की धमाकेदार एंट्री बॉलीवुड बॉलीवुड में हुई है और आप देखेंगे वो दिखेगा आपको इसके रूप में देखेगा अरे यार ये या हमारी फिल्म है कोई भी बोलेगा ये मेरी फिल्म है ये मैं हूँ सरदार सिद्धनाक मैं हूँ मैंने अगर किसी की गर्दन काटी है किसी का हाथ काटा है जिसने हमारे ऊपर ये उठाया था आपका गाना भी अत्याचार की ऐसी तहसी चल देनादन देनादन दन, दन, दन। अत्याचार की ऐसी और अत्याचारी की तहसी ये ये जो गाना आपने देखा होगा तो ये ये तो खैर गाना है लेकिन आपने इस फिल्म के जो दृश्य है जब आप देखेंगे जी। वो आपको वो वो बर्बरता दिखेगी वो अन्याय अत्याचार दिखेगा वो पीड़ा दिखेगी और उसके बाद जो भीमा कोरिया का आपका युद्ध हुआ है फिर एक एक फ्रेम देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा इस फिल्म में सनी लियोनी का एक गाना है राव तुमरी प्रीत का वो बड़ा आजकल जबान पे है लोगों का सोशल मीडिया पे लोग उसको खूब शेयर कर रहे हैं तो सनी लियोनी का क्या सिर्फ एक गाना है या वो एक कैरेक्टर है फिल्म में नहीं वो प्रॉपर कैरेक्टर है शी इज़ प्लेइंग स्पाई स्पाई है वो डांसर तो है ही है पेशवा दरबार का गाना है ये तो स्वाभिक रूप से स्वाभाविक रूप से वो डांसर है जी। तो शी इज़ ए कैरेक्टर और वो अच्छा है उनका एक्शन सिक्वेंस भी है उनका तो इस तरह का उनका टोटल ट्रीटमेंट है और लोग कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि सनी लि को आपने क्यों क्यों लिया क्यों कास्ट किया क्या ज़रूरत थी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप इनको देखेंगे इनको

जी। ना, है ना ये पेशेवर है मतलब अनप्रोफेशनल कुछ भी नहीं है है ना हम अगर कोई टेक्नीशियन हमारे पास में आ गया है कोई काम कर रहा है तो उसको ट्रीटमेंट भी प्रोफेशनली मिली हमसे तो एक आम प्रोड्यूसर जैसा होता है मतलब जो चीज़ें उसको करना चाहिए सारी वही चीज़ें हमने की है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है उनके ट्रीटमेंट में और हमारे ट्रीटमेंट में हम हमारे लोगों को साथ में लेकर चलते हैं है ना प्योरली ये कमर्शियल जो लोग होते हैं ना वैसा हमारा नहीं है हम पीछे मुड़ के देखते हैं जो हमारे साथ में हैं अभी क्या वो हमारे साथ में है कि नहीं जी, है ना उनको देखते कि आ रहे कि नहीं अगर वो थोड़ा पीछे है तो उनको साथ में लेके चलेगा ये हमारा स्टाइल है ये नैरेटिव है मेरा इस कारण ये है कि आपकी जो एंट्री है बॉलीवुड देख रहा है कि भाई इतना बड़ा प्रमोशन ताकत के साथ में भीमा करेगा भीमागा वो कहना टी वी पर प्रमोशन है सोशल मीडिया पे प्रमोशन है प्रिंट मीडिया में प्रमोशन है कैसे हो सकता है है ना तो ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज भी ऐसा नहीं करते लेकिन हमने किया है क्यों किया है क्योंकि ताकत है और वो वो मतलब लोग हैं अपने साथ में और अभी जो ये फिल्म हम मतलब जिस हिसाब से जिसको रिलीज़ कर रहे हैं वो भी देखेंगे हमने बोला है कि भाई ये वी आई पासेस का कॉन्सेप्ट लाया हमने वी आई से जो स्पेशल शोज़ करने वाले हैं पाँच सौ का एक वी आई पास है जी ये आपको करोड़पति बना सकता है एक पाँच सौ रुपये का एक वीआईपी पास आपको करोड़पति बना सकता है कैसे बना सकता है एक रिक्शा वाला अगर पाँच सौ रुपये लगा के इस फिल्म में आ, देखने के लिए आएगा कोई गरीब व्यक्ति किसान है हमारा वो आएगा तो उसको एक मौका है कि मैं करोड़पति बन जाऊँ कैसे सारे जो वी पास होल्डर्स है वो आ, उनका एक लकी ड्रॉ होगा फिल्म के रिलीज होने के बाद और फिर सबके सामने पारदर्शी तरीके से और उसको फेसबुक लाइव भी करेंगे सब लोगों के सामने वो ड्रॉ होगा और एक एक नाम निकलेगा पहला प्राइज़ है मेगा इनाम जिसको कहते हैं एक करोड़ एक करोड़ रुपये और दूसरे पांच अन्य इनाम है इक्कीस इक्कीस लाख के ये सारे महापुरुषों के नाम पे पहला इनाम तो द बैटल ऑफ हिमा को करोड़पति अवार्ड या करोड़पति प्राइज नहीं। 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 वो है देन छत्रपति शिवाजी महाराज महात्मा ज्योतिराव फुले सावित्री बाई फुले बाबा साहब अम्बेडकर और सरदार शिदना के नाम था ये 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 नाम दिया देखो इसका मैसेजिंग भी है मतलब किसी ये नहीं कि भाई ये इनाम केवल बहुजन समाज के लोग ही जीत सकते हैं भाई ये तो सारे जनरल कैटेगरी के लोग भी वी आई पास ले रहे हैं तो ये तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का अवार्ड यदि किसी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति ने जीता मान लो ये अपने, तो से अपने से आप में तो अपने आप में मैसेज है कि नहीं जी तो हमने ये मैसेजिंग भी किया है और साथ ही साथ एक 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 मेरा अट्रैक्शन भी है कि भाई संभव है कि मैंने अगर पाँच सौ का वी पास लिया और आपने भी दो पास लिए हैं हाँ दो पास लिए <laughs> तो आपके लिए भी अवसर करोड़ तो करोड़ <laughs> तो करो, करोड़ है करोड़पति बनने आओ आप, आप करोड़पति होंगे आप मतलब पहले ही करोड़पति है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है <laughs> नहीं अभी तक तो चलो ठीक है तो बन सकते आप <laughs> बन तो आप हाँ तो आप लोगों को बताएंगे आपके चैनल के माध्यम से आप बताएंगे कि साहब पाँच सौ का विजय के पास खरीदो फिल्म को देखो आनंद लो और एक मौका भी हासिल कर लो करोड़पति बन तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं अभी आपके पास मौका है डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में देंगे ये पास खरीद लीजिए हो सकता है कि आपको बड़ा के नाम भी मिल जाए और आप करोड़पति बन जाए इसमें सर कुछ लोग अफवाह भी उड़ा रहे हैं कि आप तो कलेक्शन करने का तरीका निकाल रहे हैं सर देखिए क्या कलेक्शन करने का मुझे शौक नहीं है मुझे कोई जरूरत नहीं थी है ना पैसा कमाना तो बिल्कुल ही मेरा ये बिल्कुल ही मकसद नहीं है मैंने बोला कि इसके पहले भी मेरे जेब में जो एक रुपया है वो मेरा नहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा आप, आपका वो वीडियो बहुत और आप भाँगा हाँ, भाँगा। हाँ और आप इसकी तहकीक़त कर लेना आप तो मीडिया वाले हैं क्या मैं ये जो कहता हूँ क्या मैं वास्तव में इस पर अमल करता हूँ कि नहीं है मेरे मेरे मुझे कोई शौक़ नहीं है ठीक है और मुझे ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने का तो बिल्कुल नहीं मैं मजदूर का बेटा हूँ मैंने हल चलाया है मैंने मजदूरी की है मैंने जो रोज़गार गारंटी योजना होती है ना तब महाराष्ट्र में थी मतलब उसमें मैंने काम किया है है ना मेरे हाथ में छाले पड़े थे मैंने हल चलाया मैंने ऐसी मजदूरी की है और मैंने फुटपाथ पे रहा हूँ मुंबई में कांच के ग्लास बनाए हैं मुझे तो जो ट्वेंटी सिक्स वाला जो ताजमहल होटल है वहाँ के फ्लावर शॉप में मैंने वो सप्लाई किए थे ग्लासेस आई नो वट व्हाट द क्वालिटी इज़ यू नो ऐसा बंदा हो मुझे ये पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है और मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं है बेसिकली है ना तो मैं जितना आएगा वो समाज के लिए सब अर्पण है उसी पैसे से आगे चलेंगे लोगों को साथ में लेंगे और जो लोग हमारे साथ में काम करेंगे सब उनका है तो ये अब कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है अब जिनको कुछ करना नहीं आता है और जिन्होंने ठगी की पहले से लोगों को ठगा है कभी किसी के साथ न्याय नहीं किया अब वो तो हम पे तो निशाना तो साधेंगे लेकिन हम उससे इतनी होते हैं हम तो आगे चलने तो वाले कितने पास बिक गए हैं बड़ा लाख तो हो गया अभी तक एक लाख पास आ, भी हो 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 तो एकदम अच्छा बहुत बहुत अच्छा तो एक से है इनाम जीते या ना जीते लेकिन हमारी फिल्म को समर्थन देने की जिम्मेदारी हमारी बनती थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू वेरी मच ये रमेश थेटे सर थे जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से पूरे सवालों का जवाब दिया जो आप लोगों ने सोशल मीडिया पे सवाल पूछे थे वो भी मैंने इसमें कुछ सवाल रखे हैं और इस फिल्म को कामयाब बनाने की जो जिम्मेदारी है वो पूरे बहुजन समाज की साथ साथ पूरे इस देशवासियों की है क्योंकि हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें जाति ना हो जिसमें भेदभाव ना हो और तमाम जो जातियों के लोग हैं तमाम समुदाय के लोग हैं वो मिलजुल कर रहें तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस फिल्म को ऐसी ग्रैंड ओपनिंग दें कि बॉलीवुड में जब अम्बेडकर वादियों के एंट्री हो तो जय भीम के नारे फिल्म सिटी में गूंज उठे तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं कोई सवाल है तो वो भी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जय भीम जय भारत जय भीम